फाफामाऊ में दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी, तीन युवकों को लगी गोली। मुबाशिर नाम के युवक गोली लगने से हुई मौत, दो अन्य युवक भी गोली लगने से गंभीर रूप से हुए घायल। बता दें कि जमीनी विवाद में गोलीबारी की बात आ रही है सामने। फाफामाऊ के रूदापुर गांव की है यह घटना। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और दोनों घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। बता दें कि मौके पर स्थानीय पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह प्रकरण थाना फाफामाऊ जिला प्रयागराज का है। रूदापुर गांव में मुदस्सिर अहमद और खुर्शीद अहमद का पक्ष रहता है, दोनों पड़ोसी हैं। आज सूचना मिली कि खुर्शीद अहमद पक्ष के द्वारा मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद और आकिर अहमद के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें तीनों घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों के द्वारा मौका मुआयना किया गया तो सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई। बाकी मुदस्सिर अहमद और आकिर अहमद का इलाज चल रहा है, वे खतरे से बाहर बताए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें चार नामजद अभियुक्त सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तेज तर्रार पाँच टीमों का गठन किया गया है, टीमें रवाना हैं। बहुत जल्दी ही इन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और सभी सबूतों के साथ इनको जेल भेजा जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।